आपका भी बीपीएड करने का सपना है और राजस्थान से आप बीपीएड करने का सपना देख रहे हैं। अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि पिछले साल की कितनी मेरिट गई है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोटा यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी जनरल की पिछले साल कितनी कट ऑफ गई है बीपीएड के दौरान। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि राजस्थान से बीपीएड करने का सपना देख रहे हैं, अगर उनसे उनके इतने परसेंट बन रहे हैं तो उनके चांस है राजस्थान में बीपीएड कॉलेज मिलने का। तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले अगर अपने एस सी एस टी की बात करें तो 50% यानी ग्रेजुएशन के जितने परसेंट है उनका 60% निकाल कर और खेल सर्टिफिकेट के आधार पर अगर उनके 50% से ऊपर बन रहे हैं तो इस बार राजस्थान के अंदर उनको मौका मिल सकता है कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर में। ओबीसी की अगर बात करें तो 52%, अगर आपके 52% पिछले साल 52% की थी, इस बार 52% से ऊपर जाने की संभावना है। 52% से जिनके ज़्यादा बन रहे हैं उनकी उम्मीद है इस बार राजस्थान के अंदर बीपीएड कॉलेज मिलने का। और एस जनरल की बात करें या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जनरल की जिनके 55+ है, जिनके 55+% बन रहे हैं उनकी संभावना है इस बार राजस्थान के अंदर उनको कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि पिछले साल की जो मेरिट है वो 55 के लमसम गई है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की भी 52% से ऊपर जिनके नंबर है उनके चांस बन सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए। जय हिंद।